एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदलाव किए जाने से नाराज दलित समुदाय के भारत बंद के आह्वान पर आज देश भर में दलित समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमकर विरोध किया। इसी का असर सीएम सिटी करनाल में भी देखने को मिला, जहां दलित समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर एससी एसटी एक्ट को पुनः बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शहर की सभी दुकानों को जबरदस्ती बंद करवाया। प्रदर्शन के दौरान शहर की कई मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसे लेकर प्रदर्शनकारी और पुलिस की आपस में कहासुनी भी हुई। प्रदर्शनकारी द्वारा लगाए गए जाम के कारण आम जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने दलित समाज को एससी एसटी एक्ट के फैसले पर विरोध जताते हुए अपना समर्थन देते हुए कहा कि सरकार की मिलीभगत से एससी एसटी एक्ट के साथ छेड़खानी की जा रही है, क्योंकि आज पूरा दलित व आदिवासी जिन लोगों को संविधान के माध्यम से अधिकार मिले थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिनकी लड़ाई लड़ी थी, कांग्रेस ने जिसको आगे बढ़ाने का काम किया था, आज फिर संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इनके खिलाफ है, ताकि जो संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से उनको अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ जो अधिकार मिले थे उनको छीना जा सके। और मैं समझता हूँ कि आज पूरा देश सड़कों के ऊपर है, हरियाणा में भी भारत बंद का पूरा असर है जगह जगह। मैं तो सभी साथियों से ये कहूँगा कि बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से हम अपनी बात को रखें, और सरकार जो आज पूरे विपक्ष के दबाव में और जो दलित समाज आदिवासी जिस तरीके से सड़कों के ऊपर पूरे देश के अंदर निकले हैं, उस दबाव में भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये बात कही जरूर है कि हम रिव्यू पिटीशन करेंगे, लेकिन विपक्ष के सक्रिय होने के बाद और सबसे पहले पूरे देश के अंदर इस बात को हमने उठाया कि आज दशकों से जो मामले पेंडिंग हैं उनकी भी कोई कार्रवाई नहीं होती जो एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट के तहत होता है, और इस तरीके का प्रावधान लाना वो एक्ट को भी कमज़ोर करेगा, वो एससी आयोग को भी कमज़ोर करेगा, इसलिए इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। तो राहुल जी के नेतृत्व में सब लोग जाकर के राष्ट्रपति महोदय जी से भी मिले, और आज सड़कों के ऊपर लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है, और इस मुद्दे को लेकर के मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई यही नहीं ख़त्म होने वाली। अब जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से आया है, उसके बाद जब तक संसद के अंदर इसमें संशोधन नहीं होगा तब तक ये निष्प्रभावी रहेगा, इसलिए संसद के अंदर 9वीं सूची के अंदर इसमें बदलाव आना चाहिए, ताकि इन लोगों को जो सदियों से शोषण का शिकार है, अत्याचार उत्पीड़न का शिकार है, आज महिलाओं के दलित महिलाओं के साथ जिस तरह। इंडिया एक्सप्रेस के लिए इंद्री से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट।